वहीं हरियाणा में कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही है। बीते 24 घंटे में 3,541 लोग कोरोना के नए संक्रमित मिले हैं, जबकि हिसार और फतेहाबाद में कोरोना संक्रमित दो लोगों की जान चली गई। वहीं शनिवार को सिरसा में ओमिक्रॉन के दो मामलों की पुष्टि हुई। हरियाणा में शनिवार को 48,623 लोगों की जांच की गई। इस बीच जो रिपोर्ट प्राप्त हुई उसमें 3,541 नए व्यक्तियों को कोरोना की चपेट में पाया गया। पॉजिटिविटी रेट 7.26% रहा। प्रदेश में गुरुग्राम और फरीदाबाद के बाद पंचकुला सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। आज यहां 415 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश के 22 जिलों में से कोई भी ऐसा जिला नहीं बचा है जहां की कोरोना के नए केस नहीं मिल रहे हैं। हालांकि 7 जिलों को छोड़ तो बाकी 15 जिलों में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 100 से नीचे रहा। कोरोना के सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम में मिल रहे हैं। शनिवार को भी यहां 1450 केसों के साथ टॉप रहा। सबसे कम 4 केस चरखी दादरी से जिले में है, फरीदाबाद में 480, पंचकुला में 415, करनाल में 199, अंबाला में 181 कोरोना केस मिले हैं। एक ओर जहां पानीपत में लगातार हो रही बारिश से किसानों के लिए किसी सोने से कम नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर पानीपत के गांव कहरहंस में किसानों के लिए बारिश बर्बादी बनकर आई। दरअसल जिले में कई दिन से हो रही बारिश के चलते गांव कहरहंस का जोड़ा ओवरफ्लो हो गया और बीती रात से हो रही बारिश से पानी टूटकर खेतों में उतर गया और देखते ही देखते किसान का हरा भरा खेत समंदर में तब्दील हो गया। पीड़ित किसान ने बताया कि जोहड़ का सारा पानी उनके खेत में उतर गया, जिससे उनकी करीब 9 एकड़ फसल बर्बाद हो गई। तो वहीं एक महिला किसान की 3 एकड़ फसल जलमग्न होने से बर्बाद हो गई। किसानों ने कहा कि ठेकेदार की ओर से पाइपलाइन की सफाई नहीं करवाई जाती और जिसका आज अंजाम हर साल किसानों को भुगतना पड़ता है। हर साल अपनी होने वाली इस बर्बादी के बारे में वो कई बार जिला प्रशासन को शिकायत दे चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती। पीड़ित किसान ने सरकार और जिला प्रशासन से फसल बर्बाद होने की मुआवजे की मांग की है और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की है। जी, हमारे 6-7 किले लगे हैं और जोड़ का पानी टूट जाए है, हमारी फसल खराब हो जाए, जीरी भी, गेहूं भी और हमारी तूड़ी भी, और प्रशासन कोई वो नहीं कर रही और हमारे घर में भी पानी घुस गया है, सारी हमारी फसल आए साल नु खराब हुआ है। शिकायत भी करी है पर कोई वो नहीं कर रही प्रशासन है। हम चाहे भाई हमारी सुनवाई हो, हमारी वो करी जावे। हरियाणा के अन्य इलाकों की तरह यमुनानगर में भी पिछले 4 दिनों से भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इस बेमौसम बारिश के चलते फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। वहीं शहरों के विभिन्न इलाकों में पानी भरने की सूचनाएं हैं। यमुनानगर के सिविल अस्पताल में भी कई क्षेत्रों में पानी भर चुका है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसके चलते लोगों की परेशानियां और बढ़ सकती हैं। परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ के शहीद राजा नाहर सिंह पार्क में 1857 के क्रांतिकारी शहीद राजा नाहर सिंह के बलिदान दिवस के मौके पर शहीद स्मारक पर
श्रद्धा सुमन अर्पित कर हवन यज्ञ में आहुति दी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि शहीदों की देशभक्ति और उनके बलिदान की वजह से ही हमारा देश खुली हवा में सांस ले रहा है। 1857 की आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारी रहे हमारे बल्लभगढ़ की आन बान शान शहीद राजा नाहर सिंह के बलिदान की गाथा पूरे देश में गाई जाती है। देश के नौजवान उनकी बलिदान की कहानी से देश प्रेम की प्रेरणा लेते हैं। राजा नाहर सिंह जी का आज बलिदान दिवस है और राजा नाहर सिंह के साथ साथ घोरा राजनीतिक सैनिकों को 1857 में फांसी के फंदे पर लटकाया था, उनकी याद में शहर में सभी संस्थाओं के लोगों ने बैठक की थी। उनकी टीम ने आयोजन यहाँ पे रखा हुआ था और आज ऐसे किसान नेता सर छोटू राम जी की भी पुण्यतिथि है। हम दोनों को नमन करते हैं। मैं बल्लभ विधानसभा की तरफ से, हरियाणा प्रदेश की सरकार की तरफ से उनके चरणों में सरदार सुमन अर्पित करता हूँ। उनके दिखाए हुए मार्ग, उनके दिखाए रास्तों पर हम काम करेंगे। उन्होंने आम आदमी 36 बरादरी के अंतिम व्यक्ति के लिए जो दिशा देने का काम था, गरीब के लिए, छोटे आदमी के लिए, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, किसान के लिए काम करता, उस मार्गदर्शन पर हम काम। वहीं नूंह जिले में बालिका वाहिनी योजना के तहत बेटियों को घर से स्कूल और स्कूल से घर छोड़ने के लिए निशुल्क बस सेवा देंगी। इससे जहां एक ओर बेटियों की स्कूल में ड्रॉप आउट संख्या में कमी आएगी तो वहीं दूसरी ओर सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को भी बल मिलेगा। जिले में बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में मजबूती देने के लिए कॉलेज, स्कूल और ITI में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए 24 बसें चलेगी। उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि बालिका वाहिनी योजना जिले के उन गांवों में चलाई जा रही है जहां बेटियों को स्कूल पहुंचने में कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। देखिए जी, मेरी जानकारी के अनुसार जब ये कोविड में जब स्कूल्स वगैरह बंद हुए थे उस वक्त ये योजना किसी वजह से रुक गई थी। डॉक्टर महावीर सिंह जी ACS एजुकेशन आए थे, हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार इस योजना को फिर से चालू किया गया है और 24 बसें जो है वो बालिकाओं को स्कूल तक लाने ले जाने के लिए डेडिकेट की गई थी। इसका लाभ ये हुआ है कि बहुत से ड्रॉप आउट कम हुए हैं, खासतौर पर बच्चियों के, और बच्चियों की अटेंडेंस जो है वो स्कूलों में बढ़ गई थी। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये योजना इसी तरह से आगे चल करके इस इलाके में खासकर महिलाओं के शिक्षा में सुधार देखेगी। वहीं फरीदाबाद के रहने वाले एक ITI छात्र ने ईमानदारी की मिसाल पर कायम की है। दरअसल दीपक किसी काम से पलवल गया था और उसे पलवल के बस स्टैंड के समीप सड़क पर उसे एक पर्स पड़ा हुआ मिला जिसमें 26,000 से ज्यादा रुपए पड़े हुए थे और संबंधित व्यक्ति के आधार कार्ड, पैन कार्ड और भी अन्य जरूरी कागजात रखे हुए थे। लेकिन बच्चों की ईमानदारी और संस्कार देखिए कि उसने पर्स को असली हकदार तक पहुंचाने का निर्णय लिया। अमूमन ऐसी परिस्थिति में लोगों के मन में लालच आ जाता है, पर यहां दीपक सराहनीय कदम उठाते हुए आधार कार्ड के जरिए पर्स के हकदार को वापस दिया। हम ITI का पेपर देने जा रहे थे हतीम, तो हम बस स्टैंड के साइड वाले रास्ते से जा रहे थे तो बार बार रास्ता भटक रहे थे, बार बार मेन रोड पर आ रहे थे जबकि हमें जाना था सावना रोड पे। तो हम जैसे वापसी जा रहे थे तो वहाँ पे बारिश हो रही थी तो हमें दिखा कि साइड में कीचड़ की तरफ एक पर्स पड़ा हुआ है। हमने जैसे ही वहाँ पे वो पर्स उठाया तो हमने देखा कि उसमें 300-400 रुपये पड़े हैं। तो हमने उसमें पहले से आधार कार्ड वगैरह देखे तो हमने किसी को कॉल की जिसमें उसमें नंबर थे, देखा तो उसमें जिस पर कॉल की वो बोला कि हम उसको नहीं जानते जिसका ये पर्स है, ना ही हमारा कोई पर्स गिरा हुआ है। फिर हमने वो बैग में ऐसे रख लिया और उसमें बैग में एग्जाम देने के बाद उसे रख के भूल गए। फिर दो दिन बाद याद आया कि उसमें हमारे पास एक बैग में पर्स पड़ा हुआ है। हमने उसमें देखा तो उसमें 26,000 कुछ पैसे थे। तो हमने अपने गुरु जी को इन्फॉर्म किया जिन्हें ऑलरेडी इलाके में सब जानते हैं, मोस्टली सभी लोगों को जानते हैं, तो इनके पास इन्फॉर्म किया तब इन्होंने जानकारी निकाली। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हर खबर हरियाणा।